सपने को हकीकत में बदलने का नाम है जोजिला टनल। जी हाँ, अगर सफर 3.5 घंटे का 15 मिनट में हो जाए तो आप भी यही कहेंगे। जोजिला टनल के बनने से श्रीनगर से करगिल पहुंचने में अब 3.5 घंटे नहीं बल्कि 15 मिनट ही लगेंगे। कभी अंग्रेजों ने इसके लिए सोचना शुरू किया था, लेकिन तब कश्मीर के इलाके में इतना निवेश फलदायी नहीं लगा, इसलिए इस पर कोई खास काम नहीं हुआ। आजादी के बाद भी इस दिशा में ज्यादा काम नहीं हो सका, लेकिन अब मोदी सरकार में दूर सुदूर इलाकों में हर जगह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क को विकास की नींव मानकर देश के कोने कोने में सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। खासकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का इलाका मोदी सरकार के विकास मॉडल के केंद्र में रहा है। कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद यहां विकास की चल रही योजनाओं में और भी तेजी आई है। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर और लेह के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि हर साल जब श्रीनगर, लेह और लद्दाख के इलाकों में भारी बर्फबारी होती है तो श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। अब कुछ ही साल की बात है और फिर इन इलाकों में साल भर बेरोक टोक आवाजाही होगी। इसके लिए केंद्र सरकार 14.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग बना रही है। इसे समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद सर्दियों में रास्ता बंद होने की परेशानी दूर हो जाएगी। इसे इतनी ऊंचाई पर बनाई जाने वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताया गया है। इस समय श्रीनगर से करगिल की दूरी तय करने में काफी समय लगता है। सिर्फ जोजिला दर्रे का इलाका पार करने में ही 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। जब यह सुरंग तैयार हो जाएगी तो 3.5 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो जेड मोड़ सुरंग से जोजिला टनल तक जाएगी। इस रोड पर ऐसे एवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जो दोनों सुरंगों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगे। ये सुरंग सेना के साथ साथ आम जनता और पर्यटकों के लिए भी बेहद अहम है। इसके पूरा होने पर कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क 12 महीने बना रहेगा। अभी लेह और लद्दाख भारत के भूभाग से साल में 5-6 महीने कटे रहते हैं। ऐसे में वहाँ ना सिर्फ आटा, दाल, चावल बल्कि हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ते तक जमा करके रखने पड़ते हैं। जब यह सुरंग तैयार हो जाएगी तो लेह लद्दाख में महीनों का राशन स्टोर करके नहीं रखना होगा। यह सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। रणनीतिक रूप से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रोड के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों की भी सप्लाई जाती है। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके जब पूरे साल देश से जुड़ेंगे तो उनका विकास तेजी से होगा। इसकी डिमांड पिछले 30 साल से हो रही थी,